अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम मेरे दोस्त खैरियत होंगे, अल्लाह पाक साहब को खुश व खुर्रम रखे। जनाब आपका भाई नासर खोकर मीरपुर आज़ाद कश्मीर से, मीरपुरे के एंगलर फिशिंग क्लब की जानब से। जनाब मोहतरम, मैंने एक बात आप सब भाइयों से शेयर करनी थी कि हमने एक मुहिम का आगाज़ किया है, वो मुहिम क्या है वो सब भाइयों को बताना चाहूँगा कि जितने भी मुझे देखने वाले। सर मुहिम ये है कि मंगला डैम में बहुत कमी देखी गई है रोहू मछली की तादाद में। हमने ये मुहिम का आगाज़ किया है कि रोहू मछली के बच्चे को हमने मंगला डैम में छोड़ना है, और इस मुहिम में सब हमारे जितने भी एंगलर हैं जो मंगला में शिकार करने के लिए आते हैं, इस मुहिम में आप सब भाइयों ने हमारा साथ देना है। जिसमें जनाब मैं नाम लेना चाहूँगा जनाब कोटली से, क्लब के सदर जनाब कोटली फिशिंग एंगलर क्लब के सदर जनाब मोहम्मद अफजल साहब, और सियालकोट एंगलिंग क्लब की तरफ से मियां दनान साहब, हमारा मीरपुरे के एंगलर क्लब के सदर जनाब राजा ताहिर साहब, शेख परवेज साहब, आकिब शिकारी साहब, और हमारे जितने भी दोस्त हैं बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दे रहे हैं। और जिन भाइयों ने जनाब इसमें हिस्सा डाला है मैं उनका भी नाम लूँगा, जनाब शानी भाई हैं, अरशद भाई हैं, जनाब राजा जफर साहब हैं, यासर भाई हैं, मोहसिन भाई हैं, तारक भाई हैं, आतफ़ भाई जेलम से हैं, नदीम भट्ट साहब जेलम से, उनके दोस्त हैं, मुझे नाम नहीं उनका याद, और काफ़ी भाइयों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, और हमारे काफ़ी मीरपुर के भी लोग इसमें साथ डाल रहे हैं। तो ये पैगाम आपको मैंने ज़रूरी देना समझा था कि हमने इस मछली के बच्चे को, रोहू मछली के बच्चे को मंगला डैम में छोड़ना है, और इसका अजर अल्लाह पाक की ज़ात देगी, और ये सदका जारी है। ठीक है, तो मेरी तमाम भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जनाब इस मुहिम में हमारा बढ़ चढ़ कर साथ दें, और मैं शुक्रिया अदा भी करूँगा जनाब मियाँ दनान साहब का भी, और जो हमारे कोटली एंगलिंग फिशिंग क्लब के सदर हैं जनाब अफजल साहब, और उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह पाक सबको खुश व खुर्रम रखे, और जितने भी हमारे जो वीडियो देखने वाले हैं, ठीक है, अल्लाह पाक आपको भी खुश व खुर्रम रखे। आमीन सुम आमीन।